अरे वो हौसले भी क्या जो कमाल ना करे, अरे वो हौसले भी क्या जो कमाल ना करे, तुम तो बेखौफ हो जाते उस समय से जो तुझे सलाम ना करे। तो दोस्तों इसी के साथ आज फिर से एक नई क्लास में स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी आज की जो क्लास होने वाली है वो 14.1 के सभी क्वेश्चंस को सॉल्यूशन होगा, और वो बहुत ही आसान विधि के द्वारा होगा। और ये जो विधि, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपके पास डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, यानी तीन मेथड के बारे में लिंक दिया हुआ है जो कि आपको माध्य निकालने के ऊपर है। तो एक बार जाकर उस लिंक को, उस कॉन्सेप्ट को समझिए। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तब तक कोई क्लियर ही होगा ही नहीं। तो आगे सबसे पहले उसको कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको कौन सा विधि सबसे बेस्ट है, यानी इसमें विधि है कि पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि और आपके सामने है प्रत्यक्ष विधि। तो स्टूडेंट तीनों विधि को आप लोगों को बता दिया गया है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार वहाँ से जाकर देख सकते हैं और उसके बाद उसको इम्प्रूव करिए। इम्प्रूव करने के बाद फिर से उस क्वेश्चंस को रिपीट कीजिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। तो चलिए एक एक क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व करेंगे, यानी 14.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस सभी को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक देखिए, यानी अपने मैथ्स के अपने डाउट को इम्प्रूव कीजिए। तो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट अपने बुक्स को ओपन कर लीजिए। देखिए बुक्स में आपके क्वेश्चंस हैं कि 14.1 का क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो आपके सामने है इसमें बोल रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा, स्टूडेंट देखिए इसी क्वेश्चंस में सभी जो आपके मेथड हैं, यानी कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि एंड प्रत्यक्ष विधि, इन तीनों को बताया गया है। फिर से आप लोगों को बता देते हैं कि कौन सा सबसे बेस्ट है आपके। देखिए विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पौधों की संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए डाटा दिया हुआ है कि आपको पौधों की संख्या दिया हुआ है, पौधों की संख्या स्टैंड दिया हुआ है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे घरों की संख्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टैंड ये आपके सामने दिया हुआ है पौधों की संख्या। देखिए 14.1 का क्वेश्चन है, 14.1 का क्वेश्चन है, 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो पौधों की संख्या यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, कुछ में इसमें अंतराल दिया हुआ है कि 0 से 2 1 घरों की संख्या, उसमें 2 से 4 जो पौधों की जो पौधे लगाए गए हैं वो 2 घरों में लगाए गए हैं, 4 से 6 1 घरों में लगाए गए हैं, ऐसे पौधों की संख्या है और 1 घरों की संख्या है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो यहाँ पे आप लोग को अंतराल दिया हुआ है उसी में एक्स आई का वैल्यूएशन छिपा हुआ है। तो एक्स आई के वैल्यूएशन कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स आई के वैल्यूएशन ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताया भी गया है, जो भी मैटर बताया गया उसमें बड़ी बढ़िया से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। तो एक बार जाइए तुरंत देखिए उसमें, उसके बाद में आइए क्वेश्चन, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए यहाँ पे 0 से 2, यानी आप लोग को करना क्या है कि 0 से 2 यानी कोई भी संख्या हो, कोई भी अंतराल यहाँ पर दिया हुआ हो, इसमें कुछ भी डिफरेंटेड हो, तो इसमें क्या करना है, जो सबसे छोटी संख्या यानी निचली सीमा और ऊपरी सीमा, निचली सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करो, बाटा डिवाइड कर देना है 2 से, वो आपका एक्स आई मान आ जाएगा। तो उसी तरह देखते हैं कि देखिए यहाँ पे एक्स आई का मान निकालने के लिए 2 2 और 0 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो आपको क्या होगा, 2 0 2 बटे 2, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद 4 2 6 6 बटे 2 यानी 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 4 10 बटे 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ आपके सामने अंतराल बन रहा है, क्या अंतराल बन रहा है, तो ये बन रहा है आप लोगों को 1 3 2 और 1 3 5, यानी 2 का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे 1 3 5 तो 7 9 11 और 13 हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को चूज करना है कि आप पग विचलन विधि लगाएंगे कि माध्य विधि लगाएंगे, सॉरी प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे कि कल्पित माध्य विधि लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आपने प्रत्यक्ष विधि को चूज किया तो प्रत्यक्ष विधि इसलिए आप लोगों को आसान है क्योंकि वहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना है, बस एफ आई एक्स आई निकाल लिए उसके बाद में एफ आई से भाग दे देंगे, तो बहुत ही सिंपल है आप निकाल लेंगे। अगर आपने कल्पित माध्य विधि को निकाला, देखिए स्टूडेंट ये भी आपके लिए सही है, बट ये चीज़ है कि यहाँ पे ए का मान निकालना है। उसके बाद अगर पग विचलन विधि का मान निकाले तो यहाँ पे एच और ए का मान निकालना है, तो कुछ डिफरेंटेड है, यहाँ पे यू का मान निकालना है। तो ऐसा बहुत सारे ऐसे चीज़ है कि थोड़ा आपको समय नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, ओनली आप लोगों को प्रत्यक्ष विधि लगाना है। तो चलिए देखते हैं इसको।
अब इसमें प्रत्यक्ष विधि में आप लोगों को पता है कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होता है स्टूडेंट। ये एक्स का माध्य निकालने के लिए, यानी जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ, अब ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एफ आई का वैल्यूएशन जो है एन बराबर क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे सिग्मा एफ आई, क्या लिखेंगे बाबू, सिग्मा एफ आई बराबर 20 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट अब एफ आई एक्स आई निकालेंगे, तो एफ आई एक्स आई निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो एफ आई एक्स आई निकाले तो यहाँ पे देखिए, यानी इसमें इसमें गुणा किए तो 1 आ गया, 3 दूना 6 आ गया, उसके बाद 5 एकम 5 आ गया, 7 पचास 35 आ गया, उसके बाद 9 छक्के 54 हो गया, उसके बाद 11 दूना 22 हो गया, उसके बाद 13 तिया 39 हो गया। जब इसको आप जोड़ेंगे यानी उसको सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों को 6 6 1 7 7 5 12 12 5 17 17 17 17 4 21 21 2 23 23 23 9 9 3 12 32 का 2 हाथ में लगा 3 3 3 6 6 2 6 2 8 8 8 8 5 13 13 13 13 सॉरी 3 3 6 6 2 8 8 5 13 13 3 13 और 3 16 तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सूत्र पे रख देंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट 162/20 कर देंगे तो ये स्टूडेंट ये आ जाएगा 8.1, यानी यहाँ पे x का जो माध होगा 8.1 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ से है, बहुत ही सिंपल, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कैसे आधारित है और कौन सी विधि से यहाँ पर लगाएंगे माध्य का। तो चलिए देखते हैं आपका सेकेंड नंबर क्या है, यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 50 को आपका श्रमिक है यानी 50 को मजदूर है, उसकी दैनिक मजदूरी पे इस पर चर्चा करना है। यानी यहाँ पे देखिए अंतराल दिया हुआ है 100 से 120 यानी इसके दैनिक मजदूरी है, इसमें 12 श्रमिकों को मिल रहा है, 120 से 140 जो है मजदूरी मिल रहा है 14 को का, उसके बाद में बोल रहा है 140 से 160 8 को का मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इसको क्या करेंगे, यहाँ पे दे दिया होगा उसका एफ आई बराबर दिया हुआ है 50, यानी श्रमिक कितने हैं बाबू 50 है। यहाँ पे अब देखिए एक्स आई का मान निकालेंगे, एक्स आई का मान कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को बताया था अभी कि ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़ देंगे और क्या करेंगे, जोड़ के दोनों को उसके बाद में भाग करेंगे किससे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 से 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 220 होगा, तो ये जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 110 आएगा। उसके बाद देखिए 140 120 तो 260 हो जाएगा, तो इसका मतलब 130, तो यहाँ पे देखिए 20 का अंतराल हो रहा है तो 130 150 170 और 190 हो जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एफ आई एक्स आई निकालना है, क्यों एफ आई एक्स आई निकालना है, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष विधि को पढ़ा है, तो प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स आई बटे एक्स सॉरी सिग्मा एफ आई होता है। देखिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई होता है, ये प्रत्यक्ष विधि का सूत्र है। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, सबसे सिंपल सा सूत्र है और सिंपल इसको निकालना भी है आप लोगों को, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा, तो आप लोग इसी पर रखिए, उसके बाद इसको हम लोग एक्स का माध्य मान लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट इसको एफ आई एक्स आई से गुणा कीजिए तो 12 110 गुणा 12 कीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1200 12 दहिया के 2 12 दहिया के 120 तो 12 एक 1320 हो जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा ये आप लोगों को 1320 होगा। उसके बाद में यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अब 13 से 14 में गुणा कीजिए तो 13 14 हाँ हो जाएगा 182 यानी 1820 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1820 हो जाएगा। अब देखिए 15 150 में 8 से गुणा कीजिए 15 8 120 यानी हो जाएगा ये 1200, कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1200 हो जाएगा। उसके बाद 17 6 102 तो कितना हो जाएगा ये 17 6 102 का मतलब 1020 हो जाएगा, 19 10 90 यानी ये हो जाएगा 1900। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए इसको क्या कीजिए आप लोग, ऐड कर दीजिए, क्या कीजिए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल दीजिए, तो ये स्टूडेंट इसको जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा 0 इधर रखेंगे, उसके बाद में देखिए 2 2 4 2 6 हो जाएगा, उसके बाद में स्टूडेंट इसको जोड़िए 9 9 2 11 11 11 और 8 19 19 3 22 का 2 हाथ में लगा कितना 2 होगा, और उसके बाद में देखिए 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7
यानी 7260 हो गया। कितना स्टूडेंट? 7260 हो गया। तो आपको मालूम है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि द्वारा सिग्मा एफ एक्स आई बटे एफ आई बराबर होता है माध्य। तो ये एक्स आई का मान हो जाएगा, सॉरी एक्स डैश का मान हो जाएगा कुल 7260 से क्या करेंगे बाबू, डिवाइड करेंगे किसको, 50 को डिवाइड करेंगे। तो ये इससे काटेगा, इसके बाद ये इससे काटेगा, 5 एकम 5, तो ये आ गया आपका कितना आया स्टूडेंट, 2 और 2 आया 5 चौके 20, 2 और 6 आया 50 25, उसके बाद में आया आपका 10 5 दुना 10, यानी 145.2 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बोर नहीं होना है, किसी भी क्लासेस से बोर नहीं हो, उसके जस्ट बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही आपके लिए ट्रिकली है। तो स्टूडेंट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अगर आपके पास कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन को लेकर तो आप ज़रूर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप भेज सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर स्टूडेंट नोट कर लीजिए, 7071168939, या आप जाकर इंस्टाग्राम पे आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज दे सकते हैं, उसका बहुत ही अच्छा सा जवाब आप लोगों को मिलेगा। तो स्टूडेंट चलिए तीसरा नंबर चालू करते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्या है, देखिए स्टूडेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपको माध्य दे दिया है, यानी एक्स डैश बराबर हो जाएगा 18 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 18 रुपया। तो लुप्त बारंबारता यानी एफ ज्ञात करना है, आपको क्या करना है एफ ज्ञात के फ्रीक्वेंसीज निकालना है आप लोगों को, फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको देखिए कि आप लोग सेम टू सेम वहीं वाला प्रोसेस कीजिए जो आप पहले करते आए हैं, यानी एफ आई एक्स आई निकालिए। तो देखिए स्टूडेंट एफ आई का मान यहाँ पे देखिए स्टूडेंट दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं, यानी एफ आई बराबर हो जाएगा 7 × 6 × 13 × 13 × 9 × 9 = 12 22 × 13 = 5, तो 22 × 13 = 25 25 × 5 = 40 40 × 4 = 44 प्लस एफ हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये जो एफ है वो एफ जुटेगा नहीं, लिहाजा फ्रीक्वेंसीज निकालना है आप लोगों को। अब देखिए इसका एक्स आई निकालना है, तो एक्स आई कैसे होगा स्टूडेंट, इसको जोड़िए, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 24 24 24 / 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12। उसके बाद 15 × 3 = 18 = 14 हो जाएगा, तो 14 16 18 20, उसके बाद 22 एंड 24 हो जाएगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप एफ आई एक्स आई निकालिए, तो एफ आई एक्स आई स्टूडेंट हो जाएगा एफ आई एक्स आई, तो ये आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों को 24 12 7 84। कितना स्टूडेंट, 12 7 84 14 6 14 6 14 5 74 14 6 84, यानी ये भी होगा 16 9 144, 13 8 18 13 हुआ, तो अब देखिए 18 9 180 18 3 54, तो कितना हो जाएगा 180 × 54 × तो 134 × कितना हो जाएगा स्टूडेंट 134 × उसके बाद देखिए 20 + f, यानी इसको हम लोग 20f लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 20f, क्योंकि इसमें गुना ना हो रहा है। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 22 5 तो 22 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 22 5 ये हो जाएगा 5 × 10 5 × 10, यानी 110, 24 × 96 हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट इसको जोड़ना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों को 6 6 6 4 10 10 10 10 4 14 14 4 14 4 18 4 22, कितना स्टूडेंट ये 22 का 2 हाथ में लगा, कितना 2। उसके बाद में देखिए इसको आप लोग जोड़ेंगे तो 652 होगा, कितना 652 प्लस 20f कर दीजिए, क्योंकि 20f आपका ये जुड़ा नहीं है, क्या करना है इसमें जुड़ा नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट आप जानते हैं कि अगर x का वैल्यूएशन निकालना हो तो आप लोग करते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, तो x डैश का मान कितना है आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान 652 प्लस 20f बटे कितना आएगा 44 प्लस f।
अब देखिए स्टूडेंट, इसको तिरछा तिरछा आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इससे गुना होगा, किससे गुना होगा, इससे गुना होगा। तो यहाँ पे देखिए 18 में 44 से गुना करेंगे तो 18 चौका 72, कितना स्टूडेंट 18 चौका 72। उसके बाद में आप इसे गुना करेंगे, देखिए 18 में 44 से यहाँ पे गुना करके देख लीजिए, 44 में 18 से तो 18 चौका 72, उसके बाद 18 चौका 72, यानी 2792 हो गया। कितना स्टूडेंट हो गया, तो यहाँ पे देखिए 792 प्लस 18F बराबर हो जाएगा 652 प्लस 20F। तो या तो स्टूडेंट ये वाला 18 को उधर दे दीजिए या 652 को इधर ले दीजिए, तो 792 माइनस 652 बराबर हो जाएगा 20F माइनस 18F। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 792 में से 652 को घटाइएगा तो 2 में से 2 गया 0, उसके बाद में 9 में से 6 गया, 9 में से 5 गया तो 4, उसके बाद में स्टूडेंट देखिए 7 में से 6 गया तो 1 बचा, 140 बराबर 2F, कितना 2F, तो F बराबर कितना हो जाएगा तो स्टूडेंट 70 दुना 140, तो ये आपका आंसर आ गया, यानी फ्रीक्वेंसी अगर इसको बोला जाए तो आपका ये आंसर है, ये आपका आंसर है।